अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरी से होंगे। एक्सक्लूसिव व्लॉग्स बाय गिलानी, सैयद हाशिम गिलानी, आबिद मार्केट, एम अब्दुल्ला लाहौर से एक नया व्लॉग लेकर। जी आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही अहम बात है जो आपने आपकी ज़िंदगी के लिए जो है सिर्फ समझ लें कि 5 रुपये की वैल्यू की चीज़ है जो कि आपके 5 से 10 हज़ार बचा सकती है। टाइम जो है आपका बहुत कीमती है, वो भी टाइम की बचत होगी होने जा रही है। जी इस व्लॉग में काइंडली इस व्लॉग को कम्प्लीट सुनिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-431-2050, 0300-843-2050। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, राइट साइड पे बेल आइकन दिया गया है आप, ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो व्लॉग्स होते हैं वो आपके लिए रहनुमाई होती है, प्रोडक्टिव कंटेंट होते हैं और घर बैठे आप आसानी चीज़ परचेज कर सकते हैं। जी गिलानी की रहनुमाई आप सब तक रसाई, मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज। जी बात करने जा रहे हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी हर घर में यूज़ होने वाली एक बहुत ही अच्छी आइटम जो कि हर घर की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तकरीबन 80-90% हर किचन में जो है ना वो प्रोडक्ट यूज़ होती है, वो है जी माइक्रोवेव ओवन। और काइंडली आपने मुझे बताना कि आपके घर में आपके किचन में इस वक्त कौन सी ब्रांड का माइक्रोवेव ओवन यूज़ हो रहा है, विदाउट ग्रिल है या विद ग्रिल है, ये आपने मुझे लाजमी बताना है। और ये मैं आज आपको माइक्रोवेव ओवन के बारे में बहुत ही अहम बात बताने वाला हूँ। बात ये होने जा रही है जी कि बाज़ औक़ात हमारा माइक्रोवेव ओवन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ठीक है, खाना गर्म करने के लिए टाइम आप लगाते हैं 1 से 1.5 मिनट लगाते हैं। तो टाइम क्या होता है जी, वो अक्सर रूटीन में आपका खाना जो 1-1.5 मिनट में प्रॉपर गर्म हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि वही खाना उसी क्वान्टिटी में 1-1.5 मिनट में जो है गर्म नहीं हो पा रहा। तो उसका क्या वजह है, क्या रीज़न है, इसकी रीज़न मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जनाब, कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका माइक्रोवेव ओवन ख़राब हो चुका है। इसका जो है ना मतलब ये है कि सीज़न जो है पीक पर है, यानी सीज़न से मुराद ही है कि गर्मी जो है पीक पर है, ठीक है जी। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो आपके घर में वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे, वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होता है माइक्रोवेव ओवन को मुकम्मल वोल्टेज नहीं मिल पाते। माइक्रोवेव ओवन जो है मिनिमम 700 वाट पर इस्तेमाल होता है और मैक्सिमम जो है 2000 जो है वाट पर इस्तेमाल होता है। जब वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो जो खाना आपका 1 मिनट में गर्म हो रहा होता है जनाब, तो वो खाना आपका 4 मिनट में गर्म होता है। काइंडली इस चीज़ का ख्याल करना है कि वो आपका माइक्रोवेव ख़राब नहीं है, आपका माइक्रोवेव बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं जिसकी वजह से खाना प्रॉपर गर्म नहीं हो पा रहा। अच्छा जी, अक्सर जब ये होता है कि जब प्रॉपर खाना गर्म नहीं हो पा रहा होता, कस्टमर को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हमें इसको क्या करना चाहिए। इट्स मेन कि आप स्टे करें, खाना फ्राइंग पैन में गर्म कर लें। आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगी जनाब, एक फ्यूज़ होता है जो माइक्रोवेव ओवन का, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसमें एक फ्यूज़ लाजमी लगा होता है, वो गार्ड का काम करता है, ठीक है जी। सबसे पहले फ्यूज़ डिस्टर्ब होता है। अगर हाई पोटेंसी में वोल्टेज आ जाए, बहुत ज़्यादा वोल्टेज निकल जाए आगे, तो 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर का फ्यूज़ को भी क्रॉस करके फिर उसमें क्या होता है जी, आपकी मैग्नेट्रॉन जो होती है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, मैग्नेट्रॉन जलने का खर्चा होता है जो कि कोरियन होती है, उसकी कीमत जो है वो आपको मिलने जा रही होती है 2000 से लेकर 8000 तक, मुख्तलिफ माइक्रोवेव ओवन के मुताबिक मुख्तलिफ उसकी प्राइसेस होती हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है जी, आप सबसे पहले जब आपका माइक्रोवेव ओवन ख़राब होता है, आपने क्या करना है जनाब, माइक्रोवेव ओवन को जिसको हम टॉप कहते हैं, जिसको हम उसका कवर कहते हैं, ढक्कन कहते हैं, टापा कहते हैं, तीनों तरफ देखें, बैक पे उसके स्क्रूज़ लगे होंगे, आपने ईजिली स्क्रूज़ उसके खोल लेने हैं। परेशान नहीं होना, बहुत आसान हल बताने जा रहा हूँ। और 99% यही प्रॉब्लम होती है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, जो आप अपने घर बैठे बड़े आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने टॉप को खोल लिया, जैसे ही आप उसका टॉप उतारेंगे स्क्रूज़ खोलने के बाद, तो आप देखेंगे माइक्रोवेव की एक बॉडी के साथ एक मशीनरी दी गई है, मैकेनिकल सिस्टम होता है उसका, जिसमें किट होती है, ट्रांसफार्मर होता है, मैग्नेट्रॉन होती है। आप उसके टॉप के ऊपर देखेंगे एक छोटा सा फ्यूज़ नज़र आएगा। देखें जी, बड़ी अहम बात है, 5 रुपये का फ्यूज़ है जनाब, लेकिन आपका 5000 भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप अपनी चीज़ खुद भी ठीक कर लेंगे, ठीक है, ज़हनी कॉफ्त भी नहीं होगी, ज़हनी टेंशन भी नहीं होगी। आपने क्या करना है जनाब, फ्यूज़ को देखना है, अगर आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, अपने मोबाइल की लाइट आपने ऑन कर लेनी है। ये ऑन करने के बाद आपने फ्यूज़ को देखना है, फ्यूज़ 99% जो है वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है, टेस्टर के साथ आराम से वो फ्यूज़ निकाल लेना है। आपने बाज़ार से 5 एम्पेयर का 1 एम्पेयर का 2 एम्पेयर का, उसके ऊपर एम्पेयर लिखे होते हैं, अमूमन 1 या 2 एम्पेयर का जो है फ्यूज़ होता है, वो आपने फ्यूज़ परचेज़ करना है। वैसे आपको घर में ये चीज़ें रखनी चाहिए, आपका एक बॉक्स होता है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें रखते हैं घर में, जैसे हमारा मेडिकल बॉक्स होता है, ठीक है जी, तो उसमें इसी तरह हमारे घर में कुछ प्लम्बरिंग का सामान होता है, कुछ इलेक्ट्रिक सामान होता है जो हम खुद रिपेयर कर लेते हैं, खुद ठीक कर लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर आप अपने पास फ्यूज़ भी लेकर रखें, 100-150 के लेकर रख लें,
लेकिन वो 150 के फ्यूज आपके हजारों रुपए बचाएंगे, टाइम भी बचाएंगे। अब आपने क्या करना है, वो फ्यूज निकालना है, उसी एम्पेयर का फ्यूज आपने उसके अंदर एडजस्ट कर देना है और अल्लाह का नाम लेकर दोबारा आपने स्विच लगाना है, प्लग इन करना है, स्विच ऑन करना है और इंशाअल्लाहुल अजीज आपका माइक्रोवेव प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अगर फिर भी मामला हल नहीं हो रहा, आपने वो फ्यूज भी चेंज कर लिया फिर भी मामला हल नहीं हो रहा, अब आपने क्या करना है, टॉप तो उतरा हुआ है, आप देखेंगे नीचे एक इतना बड़ा ट्रांसफार्मर दिया होता है, ठीक है, जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, वोल्टेज पूरे करके माइक्रोवेव को जो है वो 700 वाट्स 2000 वाट्स तक चलाता है। उस ट्रांसफार्मर के साथ देखेंगे आप एक रेड कलर की, पिंक कलर की कलरफुल एक डिबिया लगी होगी जनाब, उस छोटी सी डिबिया को ना फ्यूज टाइप की होगी लेकिन बड़े साइज की होगी, बेसिकली वो फ्यूज टाइप इसके लिए होती है, उसके अंदर फ्यूज लगा होता है। आपने क्या करना है, उस डिबिया को आराम से उतार लेना, क्लिप होगा, क्लिप के अंदर ऐसे एडजस्ट होगी, उसको आपने बाहर निकाल लेना है, बाहर निकालेंगे उस डिबिया को आपने आराम से खोल लेना जनाब, उसके अंदर देखेंगे एक और फ्यूज होगा, अब वो फ्यूज आप खुद चेंज करेंगे और आपका माइक्रोवेव इंशाल्लाहुल अजीज 99% यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आप अपना माइक्रोवेव बिल्कुल ठीक कर लेंगे। घर बैठे आपका टाइम की बचत भी होगी, सिर्फ आपके 3 रुपए या 5 रुपए लगे हैं फ्यूज के ऊपर, सिर्फ आपका 5 मिनट लगे हैं, माइक्रोवेव खोला उसके फ्यूज चेंज किए, लिहाजा आपके कितने रुपए की बचत होगी, आप दुकान पर लेकर जाएंगे शॉपकीपर, अब उसकी नीयत कैसी है कैसी नहीं है वो अब आपको फ्यूज का बताता है, ट्रांसफार्मर का बताता है, क्योंकि आप तो अनजाने हैं, आपको इसके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शॉपकीपर पे अब डिपेंड करता है कि वो आपसे कैसे डील करता है, वो अपने रिस्क को हलाल कर रहा है क्या कर रहा है, आपसे अच्छी बात कर रहा है या आपको कहता है जी 2 दिन बाद आ जाएं, शाम को आ जाएं, आपको मिल जाएगा, अब क्या करेगा जी, किसी और का ट्रांसफार्मर उतारा होगा, किसी और की मैग्नेट रोन उतारी हुई, आपको दिखाएगा सर ये मैग्नेट रोन लगी है, इसकी कीमत 3500 रुपये है, 1000 रुपये मेरी मजदूरी है, सर ये ट्रांसफार्मर है, किसी का उतरा हुआ होगा ना वो आपको दिखाएगा ये ट्रांसफार्मर उतरा है जी, इसकी कीमत जो है 5500 रुपये है, आपने मुझे 1000 रुपये मेरी मजदूरी देनी है, 6500 रुपये, हालांकि उस शॉपकीपर का जस्ट और जस्ट 5 या 7 रुपये लगे हैं दो फ्यूज चेंज करने में, हार्डली बहुत ज्यादा अमाउंट लगा लेना आप तो 50 रुपये लगे हैं, मान लिया उसने मजदूरी भी ले ली 500 रुपया, लेकिन आपका 6 से 7 हजार रुपया बचने जा रहे हैं। काइंडली इसी तरह आपके घर की कोई भी आइटम हो फौरी तौर पर मैकेनिक के पास ना लेकर जाया करें, वीडियो सर्च किया करें, देखा करें कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखें आप सारा दिन मेहनत करते हैं, धूप में जलते हैं, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, अपनी जात को पीछे रख के अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं, तो लिहाजा जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत अपनी प्रोडक्ट को खोल के खुद देख लें आप कि इसमें क्या मसला हो सकता है, अगर वो मसला आप खुद ठीक कर लेंगे तो यकीन माने क्या आपका नुकसान होने जा रहा है, हरगिज़ नहीं। इंशाल्लाहुल अज़ीज़ गिलानी की रहनुमाई आप सब तक रसाई, आपको मेरे से इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जिनमें इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आपका फ़ायदा होगा अल्लाह की रहमत से, और अल्लाह की रहमत के हम जो है हर टाइम तलबगार हैं और तलबगार रहेंगे, अल्लाह की रहमत के बगैर हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो अल्लाह की रहमत के साथ आपको अच्छी से अच्छी व्लॉग्स मिलेंगे। काइंडली अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, ये मेहरबानी है आपकी, ये रहनुमाई आपने अभी तक नहीं रखनी, जैसे ये रहनुमाई मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरी रहनुमाई सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको ऐसे ही मुस्कुराता रखे, तो काइंडली अगर मेरी रहनुमाई आप तक पहुँच रही है ना, ये किसी और बहन भाई का भी फ़ायदा होना चाहिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिंक लगाएं, शेयर करें, फेसबुक स्टोरी में लगाएं, रील में लगाएं, अपने इंस्टा में लगाएं, यानी मुख्तलिफ जगहों पर इसको वायरल करें। उसका क्या है कि सिर्फ फ़ायदा आपको हासिल ना हो, ये फ़ायदा जो है सबको मिले, ये सदका जारी है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-431-2050। मेरा नाम सैयद हाशिम गिलानी है, मुझे गिलानी कहते हैं। आबिद मार्केट एम अब्दुल्ला लाहौर पे जब भी आप आएँ तो हमारी शॉप एम अब्दुल्ला का विज़िट लाजमी करें। करतबा चौक में बैंक अलफला बहुत मशहूर बैंक है, साथ ही एक बैंक है मीज़ान बैंक, उसके बिल्कुल अपोजिट हमारी शॉप है एम अब्दुल्ला। जब भी आप दुकान पे आएँ तो बताएं जी हमें गिलानी भाई से मिलना है, तो गिलानी भाई आपके लिए हाजिर हैं। गिलानी की रहनुमाई आप सब तक रसाई, मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज़। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।